तो आज मेरे शहर में चल रहा है एक बहुत ही खौफनाक खतरनाक डिजास्टर, पूरी तबाही मच रखी है एंड मैं अपने घर में सेफली छुपा हुआ हूँ। बट मैं ज्यादा देर तक सेफली नहीं हूँ क्योंकि इस तबाही के दौरान मेरे घर में एंटर करना चाहते हैं कुछ अंडरवर्ल्ड के क्रीचर्स एंड मुझे पता करना है कि ये खौफनाक दिखने वाले लोग जो मेरे दरवाजे पे आगे खड़े हो गए हैं, ये रियल ह्यूमन है या नहीं। मुझे अभी तक जितना भी इस गेम के बारे में पता चला है ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो यस, आज हम ये एक इंटरेस्टिंग सी VHS हॉरर गेम खेलेंगे जिसका नाम है नो आई एम नॉट अ ह्यूमन। यस, काफी इंटरेस्टिंग नाम है ना। एंड ये गेम अभी रीसेंट टाइम्स में बहुत पॉपुलर हो रही है, तुम खुद आइडिया लगा लो। ये गेम अभी आई भी नहीं है ढंग से और इस गेम के ऑलरेडी मिलियंस में चर्चे हो रहे हैं। अब हम इसी चीज का पता लगाने जा रहे हैं कि ऐसा क्या है इस गेम में, तो आ जाओ शुरू करते हैं। एंड अगर तुम्हें ऐसे डिफरेंट गेम्स देखना पसंद है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स गो। नो आई एम नॉट अ ह्यूमन, आई एम जो भी लिख के आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट द गेम। ओह डैम डूड, व्हाट इज दिस गेम। ठीक है, शायद मेरे डोर पे कोई आया है। कौन है? ओ भाई, आप कौन हो? हाय, मैंने किसी से कुछ सुना है, कुछ तो हुआ है एंड इसके बारे में जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है। ओके बट आप मुझे क्यों बताना चाह रहे हो? सिटीज के लोग ऑलरेडी नेबर्स के पास आना शुरू कर चुके हैं और लोग बहुत बदल चुके हैं। भाई ये डरा क्यों रहा है? ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हारे घर पे आते हैं तो तुम उन्हें अंदर आने देना, लेकिन ध्यान रखना। ओके ओके, बिल्कुल सर, डन है, आपने बोला मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। मैंने सुना है लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, मुझे कौन बताएगा इसके बारे में? थैंक यू आपने बता दिया, लेकिन ये हो क्यों रहा है? एंड मैं इन स्टोरीज के बारे में और भी ज्यादा सुनता जा रहा हूँ। किसी शख्स ने बताया है कि जो क्रीचर्स हैं वो ह्यूमंस की तरह दिखते हैं एंड वो लोग आ रहे हैं। कुछ ही दिन में वो मुझे बता देगा कि किस तरह हम पता कर सकते हैं वो ह्यूमंस हैं या नहीं। ओके थैंक यू सो मच, आई थिंक सो दैट इज वेरी ग्रेट आइडिया, ये मुझे प्लीज बता देना, वरना यहाँ पे लोग आते रहेंगे, मैं किसी को भी अंदर आने दूंगा। तुम अकेले नहीं रह सकते, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और क्या पता आगे क्या हो। अरे भाई आप डराने आए हो क्या? ओके मेरे पास दो ऑप्शंस आए हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है या क्या बाहर अभी अच्छा है सब कुछ? नहीं, मुझे ये नहीं जानना है बाहर के बारे में, मुझे पूछना है यहाँ पे क्या हो रहा है। रात को विंडो से बाहर देखना सेफ है एंड मैं तुम्हें ये रिकमेंड भी करूंगा, इस तरह तुम देख सकोगे कि तुम्हारे घर के आसपास कौन और क्या आ रहा है। ओके यार दैट इज ट्रू, ठीक है मैं रात को विंडो से बाहर देख सकता हूँ, एटलीस्ट ये तो सेफ है। दिन में बाहर देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और लाइट की वजह से मेरी आंखें दर्द होती है। ओह आई थिंक सो, इनके शहर में ओजोन की लेयर खत्म हो चुकी है। God damn it. क्या मैं अपना घर अभी छोड़ दूं? रुको, अब हम क्या करें? यार घर छोड़ने की बात क्यों कर रहा हूं मैं? मुझे पूछ लेना चाहिए अब क्या कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो घर छोड़ के कुछ बेटर होएगा, क्योंकि अगर सुबह बंदे की आंखें जल जा रही है, मेरे शरीर के साथ क्या क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। ओके अब हमें क्या करना चाहिए? ओके अभी सारी चीजें समराइज कर रहे हैं। रात में कुछ लोग आएंगे एंड तुम्हें डिसाइड करना है कि किसको अंदर जाने देना है और किसको नहीं। ओके एक्चुअली में मुझे लोगों की जान बचानी है, मुझे अंदर आने देना, लेकिन कुछ लोग अच्छे नहीं है तो मुझे डिसाइड करना है किसको अंदर आने दे रहे हैं। देखने से बहुत मुश्किल है डिसाइड करना, हमें बाद में अथॉरिटीज बताएंगे कि कैसे पता करना है वो ह्यूमंस हैं या नहीं। ओके परफेक्ट, विंडोज में देखो, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि क्या चल रहा है तो अपनी मुंडी नीचे रखो, अभी हर जगह खतरा ही खतरा है। मैं तुम्हारे कैबिनेट में आज सोऊंगा और कल से तुम खुद रह सकते हो, तुम मुझे आफ्टरनून में आके देख सकते हो एंड हम बात करेंगे। ओके तो मुझे चीजें समझ में आ चुकी है एंड आई थिंक सो तुम्हें भी समझ में आ चुकी है, हम दोनों को अच्छे से समझ में आ चुकी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या मैं यहाँ पे जा सकता? यहाँ पे भी नहीं जा सकता। अरे फिर ये इतने सारे दरवाजे क्यों हैं? अगर मैं कहीं नहीं जा सकता तो क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ? बेडरूम। ओह अच्छा, ये मेरा बेडरूम है, तो मैं मैंने बेड पे क्लिक कर दिया। ओके मैं सो गया हूं। और मैं उठ भी गया हूं। गुड मॉर्निंग दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं मॉर्निंग वेदर फोरकास्ट। ओके शायद मैंने न्यूज चला दिया है, सुबह हो चुकी है इसलिए सन बहुत ही तेज से शाइन कर रहा है एंड समर हीट की वजह से हमारा टाउन जल रहा है। ओह गॉड डैम इट, इस गर्मी ने ऑलरेडी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसा लग रहा है बहुत देर तक अच्छा मौसम नहीं होने वाला है। साइंटिस्ट इस चीज को बहुत ही क्लोजली देख रहे हैं बट उन्होंने हमें बोला है चिंता ना करने को। ओके थैंक यू साइंटिस्ट, थैंक यू सो मच। सो अपने सनग्लासेस लीजिए, अपने बेस्ट स्विम सूट लीजिए एंड हाँ हैट्स लेना मत भूलिएगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली मेक श्योर कि आपको लू ना लग जाए। ओके यस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल बहुत ही वियर्ड बिहेवियर हो रहा है टाउन में, एक्सपर्ट्स को लग रहा है ये हो रहा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा धूप हो रही है। सर आई डोंट थिंक सो, ये इसलिए हो रहा है। पता तो मुझे भी नहीं है लेकिन इतना पता है ये धूप की वजह से तो नहीं हो रहा है। ओके हो गई भाई आज की न्यूज, चलो चलते हैं। ओ वाओ सुबह काफी अच्छी है। लिविंग रूम में कुछ है क्या बढ़िया? भाई ये इतना डरावना क्यों है लिविंग रूम? ठीक है मेरे को नहीं देखना है। ये कौन सा रूम है? कैबिनेट है। ओए क्या तुमने न्यूज कास्ट देखा? ये एक नाइटमेयर है। आज
सर आप भी बहुत ज्यादा नाइटमेयर थे अभी मेरे लिए। ठीक है, इस गर्मी में हर डायलॉग तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करेगा, सो बहुत सोच समझ के बात करना। ओके ठीक है, आइडिया अच्छा है, पर अभी शायद आप ज्यादा बात कर रहे हो। और एक और बात, अगर तुम्हें लग रहा है कि लोग गैस का साइन दे रहे हैं तो वो भी डायलॉग में होना चाहिए। किचन में जाओ, एक कोल्ड ड्रिंक पकड़ो फ्रॉम द फ्रिज, इससे तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी और फिर तुम्हें नींद आ जाएगी। सर कोल्ड ड्रिंक पीने से किसको नींद आती है, है? So, क्या मैं यहाँ पे बैठे रहूं और सर्वाइव करूं? ये बहुत ही अजीब है, तुम्हें नहीं लगता? भाई इसका कुछ जवाब नहीं मिलेगा, ये पूछता हूँ मैं, सही बात है, बैठे रहूं यहाँ पे मैं? ओके, मैं तुम्हें ये एक वर्ड में समझाता हूँ। दिन में तुम अपने हाउस गेस्ट से बात कर सकते हो बहुत सारी चीजों के बारे में। ओ अच्छा, तो ये तू एक गेस्ट हाउस है, अब मैं समझा। और ऑब्वियसली गेस्ट हाउस है तो हमें नए लोगों को मना नहीं करना आने से, लेकिन हर इंसान अच्छा नहीं है अभी के टाइम पे। ओके ठीक है ठीक है। और उनसे बात करते वक्त तुम चेक कर सकते हो कौन फेक लोग है और कौन रियल। अब समझ में आ गया। ओके तो मुझे अगर नींद नहीं आएगी तो इसने मुझे फ्रिज से लेने के लिए बोला है, कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बोला है। ठीक है, अभी तो मैं जस्ट सो के उठा हूं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे लायक कुछ है क्या? ओके नहीं है। ओ ये क्या है, बाथरूम है। ठीक है, बाथरूम आई डोंट थिंक सो मैं यूज कर सकता हूँ। तो हम अब गेट पे देखें क्या। What? ओए, ओ मैं सो गया था अभी और बाहर खटखट हो रही है। वो ओके, लेट्स गो एंड चेक। पहले विंडो देख ले। अरे विंडो, गेट पे विंडो देख ले, गेट पे विंडो। विंडो से क्या दिख रहा है? ओ हमें नेबर का घर दिख रहा है हमारे। ठीक है, अभी नेबर के घर में लाइट जल रही है। ठीक है, हमें ये भी नोटिस करना पड़ेगा। और इस विंडो से देख लेते एक बार। ओ ये क्या है? ओ कुछ टीनेजर्स बाहर फील्ड में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट ये रात को क्यों कर रहे हैं? तुझे नहीं लगता है थोड़ा वियर्ड है? ओके ठीक है, इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं। मुझे गेट से आवाज आई थी, मैं गेट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बाहर बहुत शांति है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। ओके ओ माय गॉड ब्रो, स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ मी। भाई मैं कुछ ज्यादा स्टोरी में घुस गया था यार, ऐसे तो मत करो। ओके ये क्या है, ये इंसान है, बच्चा है क्या ये? इसका मुंह बच्चों वाला बिल्कुल नहीं लग रहा है। और ये मुझे कह रहा है हाय, क्या मेरे पापा यहाँ पे है? क्या तुम उन्हें बुला सकते हो? I don't think so, तेरे पापा यहाँ पे है। सुबह इतना डरावना नहीं था, पर अभी बहुत सारे लोग बाहर आ गए हैं, तो मैं क्या करूँ उससे? मैं इसके पापा का नाम पूछूँ या मैं इसके पापा के बारे में पूछूँ? इसके पापा के बारे में पूछते हैं। हाँ मैं तुम्हें उनके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। मेरे को लड़की लग रही है ये। अच्छा हंसा, ठीक है। वो बाहर जाने से पहले एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और वो मेरे लिए लंच डिनर और जूस रख के जाते हैं। आज मैंने उनकी कोल्ड ड्रिंक पीने का ट्राई किया एंड वो बहुत बेकार थी। यस बेकार ही होगी बच्चे, दूर रहे। वो कोल्ड ड्रिंक क्यों पीनी जब जूस है? हाँ नहीं तो हाँ, वैसे बात भी सही है। ओ प्लीज उन्हें मत बताना। क्या तुम यहाँ पे सेफली आए या क्या तुम विजिटर से डरते हो? आई डोंट थिंक सो ये विजिटर से डरता है, ये खुद एक विजिटर है। आई डोंट थिंक सो ये विजिटर है, इससे यही सवाल पूछते हैं क्या ये विजिटर से डरता है, फसाते हैं इसे। मुझे नहीं पता, हर कोई उनसे डरता है, मैं भी उनसे डरता हूँ या डरती हूँ। मैंने अभी तक किसी विजिटर को नहीं देखा। क्या वो डरावने होते हैं? क्या वो तुम्हें हर्ट करते हैं? क्या अगर मेरे किसी स्कूल के दोस्त ने मुझे बहुत जोर से मारा, क्या वो एक विजिटर है? ओके तो इन्होंने उन लोगों का जो दूसरी दुनिया से आ रहे हैं अपेरेंटली, उनका नाम विजिटर रख दिया है। ठीक है, पापा ने मुझे केयरफुल रहने के लिए कहा है तो मैं केयरफुल हूँ। आई डोंट थिंक सो तू घर से बाहर निकल के केयरफुल है। मैं यहाँ पे बहुत शांत से आई थी, किसी ने मुझे नहीं देखा। मैं तुम्हारे पापा को बुला रहा हूँ, हैव अ गुड टाइम। नहीं इसको अंदर नहीं बुलाना चाहिए, इसके पापा को बुलाते हैं। थैंक्स, आपको भी गुड लक, मैं जा रही हूँ अब। मुझे रात को अकेले बाहर डर लग रहा है, मैं गेम खेलने जा रही हूँ जो मेरे पापा ने मेरे लिए बनाई थी, जहाँ पे हमें डाइस रोल करनी होती है। ओके आई थिंक सो ये लूडो जैसे कुछ गेम की बात कर रही होगी। गुड बाय, ये कौन आ गया इसके पीछे? Who was that? Oh, दोबारा कोई आया? अब कौन, क्या, क्यों, कौन है? भाई तुम खुद सोचो, कोई इंसान अभी इतनी लंबी चौड़ी बात करके गया है और वापस से खटखट हो रही है, और जैसे मैं देख रहा हूँ एक ये पता नहीं जानवर जैसा दिखने वाला बंदा सामने है। ठीक है अब मेरे को समझ में आ गया, मैं रेडी हूँ। अब मैं रेडी हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं तू अंदर नहीं आ सकता है, तू एक नंबर का बेवड़ा लग रहा है। मैं एक पब में छुपा हुआ था लेकिन मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। ओ इसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुआ, क्यों? हर कोई मेरा गुस्सा नहीं सह सकता। भाई तू एक काम कर, वो पीछे रास्ता देख रहा है, तुर ले निकल यहाँ से, जल्दी निकल। पर मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, मुझे गलत मत समझना, वो तो बस कभी कभी मेरा बहुत मूड खराब हो जाता है, तुम्हें पता ही है। मुझे नहीं पता है, मुझे जानना भी नहीं है। क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे?
माय गॉड, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि तुम तो विजिटर नहीं हो, है ना, और एक ऑप्शन है क्या तुम श्योर हो कि तुम कोई भी ट्रबल नहीं करोगे। यार ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लूंगा तो ये कहीं गुस्सा ना हो जाए। चलो पूछ लेता हूँ, पूछ लूंगा मैं। ले, तुम्हें लगता है मैं उनमें से एक मॉन्स्टर हूँ? नहीं, मैं विजिटर नहीं हूँ, पर ये किसी से भी उनके मुंह पे पूछ लेना बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। एनीवे, अब मैं भी सीधा मुंह पे ही बोलूंगा, उन्होंने तुम्हारे लास्ट शेल्टर से तुम्हें बाहर क्यों निकाला? तुम्हें यहाँ पे क्यों लगता है कि कुछ अलग होगा? ओके, यस, ये क्वेश्चन पूछना काफी ज्यादा फेयर है कि तू यहाँ पे क्यों आना चाहता है? क्यों निकाला तो मुझे बता दिया था इसने, ऑब्वियसली। दोबारा पूछूंगा तो एक गुस्सा होके तोड़ दे गेट। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो क्या मैं सूरज के नीचे तड़प के मर जाऊं? नहीं होम ओनर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एज लॉन्ग एज मैं जिंदा हूं, मैं किसी ना किसी को ढूंढता रहूंगा बात करने के लिए, और कुछ बात करने के लिए। अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं किसी और को ढूंढूंगा। अगर इस दुनिया में थोड़ा सा भी लक और अच्छाई बची हुई है, और अगर हर कोई बुरा नहीं है तो। ओ, अब ये मेरे को इमोशनल कर रहा है ना, मेलो ड्रामा बड़ा है तू। ओके, अब मेन ऑप्शन आ चुकी है, कम इन या यू बेटर लीव। यार आई डोंट नो, इसको अंदर आने तू या नहीं, ये ह्यूमन तो नहीं लग रहा है, इसका हाथ बहुत अजीब लग रहा है यार। क्या करूं? सर एक काम करो, आप जाओ। ओके, शांत हो गया। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, बट मैं गुस्सा हूँ, तुम भी हर किसी की तरह डरपोक हो। अरे डरपोक भाई, यहाँ पे पूरी प्रलय चल रही है अभी मेरे शहर में, मैं अपनी जान ना देखूं। डरपोक, रात को अच्छे से सोना होम ओनर, एंड फ्लिप यू। थैंक यू फॉर दैट। चलो सोने चलते हैं। आई थिंक सो, अब कोई भी नहीं है, एक बार इन्हें देख लिया जाए क्या कर रहे हैं ये बच्चे। अच्छा खेल ही रहे हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना, अब हम आराम से चैन से सो जाएंगे। चलो बेटा सो जाओ। हैं, अच्छा मैं सो नहीं सकता, वो मुझे लोगों को देखना पड़ेगा। ओके लेट्स सी, यहाँ पे कोई है? नहीं है, तो आई थिंक सो मेरी जॉब है। मैं फिर भी डर गया। हेलो, तुम्हें इतनी रात को परेशान करने के लिए सॉरी, सुबह बहुत धूप होती है, एंड टीवी में बताया गया कि बाहर सुबह ना निकलना ही बेहतर है, क्या मेरे लिए कोई जगह है? सर आई एम सॉरी टू आस्क, बट व्हाई आर यू बिल्ट लाइक दिस? आई एम रियली सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप थोड़ा मेरे को डेड वाइब दे रहे हो, डेड इनसाइड एंड आउटसाइड टू। सीधा क्वेश्चन, कौन हो तुम और तुम यहाँ पे कैसे आए? तुम यहाँ पे कैसे है? अच्छा क्वेश्चन है। यस, मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था। हाँ, मेरे पैरों के नीचे जमीन ऑलरेडी पिघलना चालू हो गई है, बट यहाँ पे इतना बुरा नहीं है, तुम्हें हंसी आएगी। मेरे घर में विजिटर्स आए हैं, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो? उन्होंने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। ओह डैम, दैट्स सैड। अब मैं बाहर ऐसे इधर बदर भटक रहा हूँ किसी जगह के लिए जहाँ मैं धूप से बच सकूँ। यार ये रात को क्यों घूम रहा है? इस बात पे थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा है मुझे, धूप से। आई मीन ऑब्वियसली सुबह तक ये कहाँ ही जाएगा, तो दैट मेक्स सेंस। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछना बेकार है, वो बेचारा अभी मेंटल स्ट्रेस में है, ये पूछते हैं अब तुम क्या करोगे। मैं ट्राई करूंगा सरवाइव करने का, मुझे डर लग रहा है, पर ऑब्वियसली इन विजिटर्स के आने से और सन के धधकने से ऐसा लग रहा है कि ये हेल बन चुका है, मैं जीना चाहता हूँ। ही हो हो, व्हाट, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? भाई तुमने जो ही हो किया ना, उससे मेरे को बिल्कुल डर लगता है। प्लीज मुझे बताओ कि सब सही हो जाएगा बहुत जल्दी। मैं कैसे बताऊंगा तुझे? यार आई थिंक सो, इसे आने देना चाहिए। ये ही हो जो इसने किया, नहीं यार तू भी निकल, तू आ जाए काम, तू आ जा सर। थैंक यू भगवान, मैं एक और दिन जी पाऊंगा। ओके, अब और कोई नहीं आने वाला है रात को, ठीक है सो जाते हैं। आई थिंक सो मैंने सही इंसान को चूज किया था। प्लीज टेल मी, क्या मैं सुबह उठ पाऊंगा? वापस से न्यूज, भाई तू न्यूज वाला क्यों डरा दे रहा है? हमें आप लोगों को कुछ अर्जेंट मैसेज देना है। आज सुबह 6:28 पे बहुत ही पावरफुल सोलर एनर्जी इरप्शन हुआ था, साइंटिस्ट ने जो प्रिडिक्ट किया था वो एक्सप्लोजन उससे भी बहुत बड़ा था। एयर टेम्परेचर एक क्रिटिकल लेवल रीच कर चुका है, अथॉरिटीज ने एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी स्टेट में। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे सिटीजंस बाहर ना जाएं दिन के समय। ओके, अब न्यूज की बारी। एलियंस, पीपल जो अंडरग्राउंड से आ रहे हैं? नहीं, ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं है। आंखों देखे लोगों ने रिपोर्ट किया है अबाउट द विजिटर्स जो कि सिटी में घूम रहे हैं। ओके, तो आई थिंक सो वो बंदा सही था। यार पहले वाला भी बंदा सही था, मैंने उसे भगा दिया। एक विटनेस ने एक मिडिल एज मैन को इनकाउंटर किया था, ओके, जिसके परफेक्टली व्हाइट टीथ थे, एंड पता चला कि वो एक विजिटर था। विजिटर आई मीन वही जो मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। ओके, तो उससे एक चीज पता चल गई है कि जो विजिटर्स हैं उनके परफेक्ट व्हाइट टीथ हैं, क्योंकि और भी इंसिडेंट्स हुए हैं ये कह रहे हैं। ठीक है। सो अगर तुम्हें उन्हें आइडेंटिफाई करना है तो उनके टीथ देखो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू
वेरी मच, दैट्स क्रेजी। मुझे एक क्लू मिल गया है एंड आई होप सो दिस इज गोना बी हेल्पफुल। क्या मुझे सो जाना चाहिए? ठीक है, सो जाते हैं। अच्छा, मैं अभी सो नहीं सकता। ओके, मेरे को इससे बात करनी पड़ेगी। मुझे पता चल गया। अरे, कैबिनेट में नहीं है ये? ओए, कहां गया भाई तू? अबे, जो तू लिविंग रूम में भी नहीं है। ओके, आई थिंक सो, मुझे यप, नाउ आई नो मुझे क्या करना है। अरे, इसका तो ये भी करने का मन नहीं कर रहा भाई, कोल्ड ड्रिंक पी ले, सो जा यार। यहाँ पे कोई है क्या? अच्छा, ये वही इंसान है जिसको मैंने अंदर आने दिया था। क्या मैं इससे बात नहीं कर सकता? हेलो। अच्छा, रहने दो, मत बात करूं, बाथरूम चेक कर लेता हूँ, बाथरूम में भी सब सही है। डूड, कहाँ गया ये बंदा? क्या मैंने कुछ हग दिया? ओके, होल्ड अप, मेरे बेडरूम में कुछ होगा शायद। ओ नोप, आऊं, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, वापस से गेट पे कोई आया। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। पहले मैं नेबर, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? नेबर की लाइटें बंद है और ये कौन से लोग हैं? ये क्या है ये? ओके, तो ये नेबर ही है, ये अपनी बेटी को मार रहा है, तो ये खेल रहे हैं? गॉड डैम, आई डोंट थिंक सो, ये खेल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओए, बॉडी भाई, नीचे बॉडी पड़ी हुई है, टीनेजर्स की बॉडी, किसी ने उन्हें मार दिया है और ऐसा लग रहा है अभी अभी हुआ है, बिकॉज ब्लड भी सूखा नहीं है। ये पिक्चर मुझे गूज़बम्स, ब्रो, ओह माय गॉड, तीन, दिस गेम इज हेला क्रीपी। मेरा ऐसा मुंह कभी नहीं बना कोई गेम खेलते हुए भाई। मेरे पैर में खून दौड़ रहा है, आई मीन दौड़ता है, बट मेरे को फील हो रहा है दौड़ते हुए। चलो भाई, देख ले बाहर कौन है, यहाँ पे देखना जरूरी है। ये कौन है? ऐसा लग रहा है कोई डेड बॉडी खड़ी है, ये अपनी स्किन फोल्ड कर रहा है। अरे भाई, तू जा यार, तू जा, आई थिंक तो तेरा धूप की वजह से हुआ होगा। बताओ कौन है यहाँ पे? ओह, ये लड़की है, ये नॉर्मल लग रही है कोई तो, लेकिन मुझे इनके दांत चेक करने पड़ेंगे। इसने बोला मुझे, हेलो, मैं तुम्हें सीधा बताना चाहती हूँ, मैं हीट से नहीं डरती, पर मैं एक्चुअली में एक शांत जगह चाहती हूँ, क्या मुझे तुम्हारे घर पे शांति मिलेगी? मैडम, आई डोंट थिंक सो, जिसको मैंने अंदर आने दिया था उसका नाम शांति है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अरे, शांति तो कहीं भी मना लो ना यार तुम। इससे पूछू, हू आर यू, और तुम कितनी देर से ये पीसफुल जगह के लिए देख रही हो? ये पूछूंगा, पहले मैं पूछता हूँ तुम कौन हो। आई थिंक सो, इंट्रोड्यूस करते हुए हंसेगी। अरे अरे, तो बड़ी गुस्से में है यार, ये मैटर नहीं करता मैं कौन हूँ। तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं एक विजिटर हूँ, है ना? नहीं, मैं एक विजिटर नहीं हूँ, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगी, अभी नहीं, बाद में। ओके, तो मैं इससे पूछ सकता हूँ कि क्या तुम्हें गर्मी से डर नहीं लगता? या फिर टेक ऑफ योर जैकेट। भाई, दैट साउंड्स वेरी बैड, आई मीन किसी स्ट्रेंजर को टेक ऑफ योर, नो। ठीक है, मैं फिर भी यही बोलूंगा। ऑब्वियसली इसने बोल दिया नो, इट्स ओके अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे, मैं बस चलती रहूंगी, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रही हूँ। एंड आई थिंक सो, ये ठीक है, पर यार मेरे साइड में एक भूत जैसा इंसान था, तो ये जिंदा कैसे है यार? कम इन मैन, कम इन, शुक्रिया। अबे, तो कंप्लेंट कर रही है सीलिंग तेरी, ऐसे की तैसे चुपचाप आ जा अंदर, बढ़िया ही। ओए, अच्छा, अब हे ह्यूमन, ओ डैम, इसके दांत दिखे। भाई, तेरे दांत तो बिल्कुल भी साफ नहीं है। एक तो दांत ही गायब है, आई थिंक सो। अरे, क्या बकवास करी जा रहा है भाई, ये बेवड़ा है, पता नहीं है क्या दुनिया जहान की बातें कर रहा है। हम दुनिया साफ करेंगे, अर्थ बहुत ब्लेस्ड है, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मेरे को इसकी बातें नहीं समझ में आई। यू आर स्केयरिंग मी, नहीं, व्हाट बोलना चाहूंगा, तुम क्या कर रहे हो ह्यूमन? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, जो सूरज है वो हमें जलाता है, एंड वो किसी रीजन से जलाता है, वो हमारे पापों को हमसे जलाता है। अबे यार, तू फिलोसोफर बन रहा है अपने आप को, निकल जा मेरे घर से, मैं इसको नहीं अंदर आने देने वाला, ये मेरा दिमाग खराब कर देगा। हमने बहुत बुरी चीजें की हैं और अब सूरज बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो अब हमें मारना चाहता है। तू बहुत हंसते हुए, तू बहुत अजीब लग रहा है, एंड ये एक अच्छी बात है, हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे एंड हम अच्छे से जी पाएंगे। ये साइको बंदा लग रहा है मुझे, कसम से, ये चाहता है सब मर जाए ताकि सब अच्छे से जी पाए। अच्छा भाई, आई डोंट थिंक सो, इस दुनिया में एक भी इंसान है जिसने पाप ना किया हो, एक भी, तो इस हिसाब से तो सारे मर जाएंगे, फिर कैसे अच्छे से जियोगे तुम? जियोगे कैसे? अच्छा, फिर उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? नहीं, मैं इसकी बकवास नहीं सुनना चाहता यार, दोनों में ये बकवास करेगा। चल भाई, ये पूछ, वो इसने नहीं बोला हम सब नहीं मरेंगे, ओके, पाप धुल जाएंगे और सूरज भी धुल जाएगा, पर हम जिंदा रहेंगे। भाई, आई डोंट थिंक सो, तूने साइंस पढ़ी है। और ज्यादा मौतें नहीं होंगी, और ज्यादा चोरी भी नहीं होगी, और ज्यादा लालच भी नहीं होगा, क्या तुम ऐसी चीज सोच सकते हो? भाई, मैं ऐसे नहीं अंदर आने जा, तू जा भाई, निकल यहाँ से। अरे, मेरे को तेरे सूरज के बारे में नहीं जानना, ये भी मेरे को, तेरी ऐसी की तैसी, मेरे को, अच्छा, इसको लग रहा है मेरे को बचाने के लिए आया यहाँ पे, अबे निकल यहाँ से, बढ़ाया। ऑलराइट, बाय 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 बाय, जा जा, चार बार बोलने की जरूरत नहीं थी, गधा कहीं गया है नहीं तो। चलो भाई, अपने नए लोगों से मिलते हैं, थोड़ा देखते हैं कहाँ पे है अपने नए लोग। यहाँ पे, ओह डैम, इनकी बॉडी अभी भी पड़ी। ओह वेट, होल्ड अप, ओके, ये यहाँ पे भी, ये पास क्यों आ गया? कोई है क्या यहाँ पे? ओए, हेलो, ये पहले भी हुआ था और ये दोबारा होगा। उबले वंडे जी, आप किस बात के बारे में आप बात कर रहे हो? बहुत बुरा है कि हम विटनेस हैं इस चीज के, क्या पता हम भी इस चीज में जुड़े हुए हैं। अरे, किस
चीज के बारे में बात कर रहा है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम कौन हो भाई? क्या तुझे कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया, जो भी मुझे चाहिए वो सब कुछ है, एंड जो मेरे पास नहीं है तुम वो मुझे नहीं दे सकते। अरे यार ये क्या है, ये बंदे हैं ज्ञान देने आ रहे हैं। क्या तुम मेरा भाग्य पढ़ोगे? क्या तुम चूज करना चाहोगे मैं कौन सी बुक खोलूं और कौन सी लाइन पढ़ूं? भाई तू सच्ची में यू आर वियर्ड। तू क्या बात करना चाह रहा है? तू किस बारे में बात करना चाह रहा है ये पूछते इससे। ओह तो तुम इस चीज को ऐसे देखते हो, मेरे वर्ड्स का तुम्हारे लिए क्या महत्व है? अरे यार टीचर आ जा रहे हैं यार गेट पे बार बार, यार कमाल है बेकार लोग। क्या तुम मेरा भाग्य पढ़ोगे एक किताब में से? ओह अच्छा तो मैं चूज करूंगा यहाँ पे मुझे क्या पढ़ना है। ओके या तो शुरुआत से टॉप पैराग्राफ पढ़ते हैं या तो बीच से लास्ट पैराग्राफ। शुरुआत से टॉप में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बीच से लास्ट पढ़ते हैं। बता भाई। द डेड विल कम एंड टेल एंड ही विल नॉट बी बिलीव्ड। अच्छा अच्छा सर यू आर वियर्ड एज़ हेल। यू आर वियर्ड इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब मुझे नहीं पता, अब मुझे सोचना होगा। शायद मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। अब अबे गायब हो गया। ठीक है भाई ओके, अब और कोई नहीं आने वाला है तो ठीक है सो जाते जाके। चलो घर काफी प्यारा है भाई तुम्हारा, मजा आ गया है। चलो सोजो 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 सोजो। ओ यू स्मेल डिकेंड। ओए मेरे को कुछ स्मेल आई, कुछ सड़ने की स्मेल आ रही है। ओके वापस से न्यूज आई है कुछ, तो देखते क्या न्यूज आई है। ओके सोलर एक्टिविटीज सब सेम है, सब खराब है, और एक्सपर्ट्स ने बताया और भी ज्यादा खराब होता रहेगा, और आई विटनेसेस ने और ज्यादा इनकाउंटर किए हैं लोग विजिटर्स आई मीन टू से, और अथॉरिटीज ने एक फेमा करके कुछ तो डिप्लॉय कर दिए हैं कॉप्स जो इन विजिटर्स पे अपनी निगरानी रखेंगे आई थिंक सो। फेमा के मेंबर्स येलो सूट पहनते हैं। ओके हैजमैट सूट व्हाट डज दैट मीन। ओके फेमा के लोगों ने कुछ इनकाउंटर किया था, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। इनको एक वुमेन इनकाउंटर हुई थी जिसके नाखून के नीचे गंद था, ठीक है, और जैसा बोला गया है कि विजिटर्स ग्राउंड से आ रहे हैं, अंडरग्राउंड लोग हैं वो, तो उस औरत को टेस्टिंग के लिए लेके जाया गया था एंड उसको डेंजरस करार दिया गया था। ओके अगर तुम्हें कोई भी विजिटर लगता है तो हॉटलाइन पे 0451 दबाना है। ठीक है डन है, तो बाद आऊंगा भाई, एक बार मैं अपने विजिटर्स जाके देख लूं मेरे विजिटर्स क्या कर रहे हैं लिविंग रूम में। ओ ये डरा हुआ है, आई विश यहाँ पे कुछ गर्मी होती। अरे यार तू शांत बैठना, मुझे तुम पे निगरानी रखनी होगी। नहीं ये बोलना अच्छा नहीं है। तुम विजिटर को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? ओह ये पूछना सही है। म्यूटेटेड ह्यूमन जिन्होंने हजारों सालों का एंगर घोटा है वो हमारे रिफ्लेक्शन है जो हम कभी भी देखना नहीं चाहेंगे। ओके ये इसने काफी अच्छी बात बता दी, दैट वाज रियली हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। वैसे गुस्से वाली चीज तो मैंने भी ध्यान में रखी थी, किचन में भी कुछ नहीं है, कोई नहीं है। एक बार मैं यहाँ पे देख लूँ ये। ओके ये तो बात ही करने के मूड में नहीं है भाई। वो तीसरा बंदा नहीं दिख रहा, मैंने तीन बंदे अंदर आने दिए थे ना। गॉड डैम इट, ठीक है मैं पहले सोने जाता हूँ, मेरी एनर्जी लो हो गई है, सो जा भाई। ओके वापस से कोई आया, विंडो से देखा जाए। ये कौन है? ओ आए थे। ओके 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 ये फेमा वाले स्टाफ है, ठीक है ठीक है। वो सॉइल सैंपल्स ले रहे हैं। ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एक बार ये वाली विंडो चेक कर ले। ओ ये यहाँ से ले गए बॉडी इनकी। ओके हाँ वो बॉडी बड़ी बड़ी सड़ रही थी तभी मुझे सड़ी हुई बदबू आ रही थी। ठीक है मैं समझ गया मैं समझ गया, पहले बाहर देखते अब कौन आ गया भाई। ये जरा कौन है तू? अरे यहाँ से देखते ना, वो यहाँ पे भी आ चुके हैं लोग। अच्छा आर्मी सोल्जर, वो जो मरा हुआ इंसान दिख रहा था ना अब वो भी यहाँ पे नहीं है सोल्जर्स की वजह से। थैंक यू सो मच। हाँ भाई अब बता तू कौन है। Who are you? Hi. शांत हो गया। Who are you? Why are you here? नहीं, who are you? दोबारा शांत है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओ भाई इसके दांत पूरे साफ है। क्या सब कुछ सही है? ओ भाई इनकाउंटर हो गया बंदा वो। ओ माय गॉड मेरे को ये इतना अजीब लग रहा है ना। तुमने मेरा क्वेश्चन इग्नोर क्यों किया? तुम्हें क्या चाहिए? नहीं तुमने मेरा, मैं ये बोलता हूँ यस मैं मुंह फटूं। भाई क्यों कर रहा है मेरा क्वेश्चन इग्नोर? लिसन क्या क्या तुम घर पे अकेले हो? मैं बस उत्साहित हूँ। क्या तुम किसी का भाग्य पढ़ रहे हो? भाई ये तो इसे ये सब कैसे पता है? मेरे पास मेरे घर पे दूसरे लोग है बात करने के लिए। आई एम अलोन। नहीं आई एम अलोन नहीं भाई, मेरे पास है लोग। तुम बहुत लकी हो आज रात, मैं तुम्हारे घर से किसी की विस्परिंग सुन सकता हूँ, पर क्या पता कल क्या होगा। ओए चला गया ये भी, ठीक है। ओह माय गॉड दोबारा कोई आया है, अब कौन है? ओह व्हाट ये क्या ले रखा इसने? अरे यार एक तो यहाँ पे हवा चल रही है बार बार मेरा एसी आते टाइम डराता रहता है मेरे को। डूड व्हाट इज दिस? क्या हम तुम्हारी जगह पे रेस्ट कर सकते हैं? तुम कहाँ से आए हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ओह आई थिंक सो ये कोई बच्चा है जो बहुत बीमार है, या तो इसका भाई है, तो कुछ तो है ये। तुम कहाँ से आए हो ये पूछते हैं? मुझे कुछ याद नहीं और मैं अब केयर भी नहीं करती हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अगर मुझे कुछ रेस्ट ना मिली तो मैं कोलैप्स हो जाऊंगी। क्या तुम्हारा पार्टनर बीमार है? क्या तुम्हारे पार्टनर को हेल्प चाहिए? दोनों मतलब सेम ही हुआ, ये पूछ लेते हैं। अब नहीं, जब उसे चाहिए थी किसी ने मदद नहीं की। ओह माय गॉड वो डेड है, नाउ ही इज डेड। ओह भाई साहब अगर वो जिंदा भी हो तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। यार इसको आने दे, क्या यार इसको आने देते हैं। यार आ जाओ यार अंदर आ जाओ, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर तक रह पाऊंगी, मुझे बस एक ब्रेक चाहिए। ओके ठीक है हमने इसे अंदर आने दिया, इसको तो अंदर आने देना बनता था यार। इस बार नॉक नहीं हुआ। ओ अमोगोस, नाइस नाइस।
ओके, ये लोग तो आते ही रहेंगे, ये गेम कभी खत्म नहीं होगी, ये एक अभी डेमो वर्जन है तो इस गेम का कुछ फिनिशिंग पॉइंट नहीं बन रखा है भाई। मैंने अभी चेक किया, 1 घंटा हो गया मेरे को रिकॉर्ड करते हुए। बट यस, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। आई एम फीलिंग वेरी बैड राइट नाउ, मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट। पीठ पे गदर मचेगा, कटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा आई स्वेयर, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।